स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी करार, 20 अगस्त को होगा सजा पर फैसला। आपको बता दें कि वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ किए थे ट्वीट, जिसके बाद उन पर अवमानना का मामला चलाया गया है। राजस्थान विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस ने जारी किया है व्हिप, बस से विधानसभा पहुंचे अशोक गहलोत गुट के विधायक। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को जारी किया है व्हिप, कहा विश्वास मत में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करे विधायक। श्रीनगर के नौगांव में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, पुलिस के दो जवान शहीद, जैश मोहम्मद आतंकी संगठन ने दिया हमले को अंजाम, पुलिस ने दी है इस बात की जानकारी। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताई भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। उड़ीसा में भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई इलाकों में जताई भारी बारिश की आशंका। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, शुरुआती कारोबारों में सेंसेक्स में दिखा है उछाल, 20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला बाजार। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाया है जमकर कहर, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 2,10,79,305, अब तक कोरोना के चलते हुई है 7,53,451 मरीजों की मौत। विश्व में कोरोना ने अमेरिका में मचाया है सबसे ज्यादा कहर, अकेले अमेरिका में 54,15,666 केस आए सामने, अब तक 1,70,415 मरीजों की मौत। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक सामने आए हैं 32,29,621 केस, 1,05,564 लोगों की कोरोना से मौत। रूस में भी कोरोना ने जमकर मचाई है तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,07,758, कोरोना से गई है 15,384 मरीजों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना जमकर मचा रहा कहर, कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर हुई है 5,72,865, अब तक 11,270 मरीजों की मौत। देश में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 64,142 नए केस, मरीजों की संख्या हुई है 24,59,613, अब तक कोरोना से गई है 48,144 लोगों की जान। देश में सितंबर से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन का दूसरा ह्यूमन ट्रायल, पहले चरण में मिले थे सकारात्मक नतीजे। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बरपाया है कहर, एक दिन में सामने आए हैं 11,813 नए केस, लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ है 5,60,126। तमिलनाडु में भी कोरोना से हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,20,355, अब तक कोरोना से 5,357 मरीजों की मौत हुई है, 53,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए हैं 9,996 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,64,142, अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। कर्नाटक में कोरोना से लोगों में दहशत, जानलेवा वायरस से गई है 3,614 लोगों की जान, अब तक सामने आए कुल 2,03,200 केसेस। दिल्ली में सुधर रही कोरोना की स्थिति, 1,34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, अब तक सामने आए हैं 1,59,460 केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 4,537 मरीज, कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 1,44,775, अब तक कोरोना के चलते राज्य में गई है 2,280 मरीजों की जान। हरियाणा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए हैं 793 नए केस, प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ है 44,817, अब तक 511 मरीजों की गई जान। कैथल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना वायरस के 12 नए केस मिले हैं, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हुई। नूह में 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए हैं, 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक एक दिन में 500 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं।
अंबाला में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। जिले में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2387 हो गई है, जिसमें से 405 एक्टिव केस। पंचकुला में कोरोना के 50 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल है। कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जिले में अभी तक 4 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सिरसा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। अब तक जिले में 7 मरीजों की जान जा चुकी है। आज सिरसा में 9 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल। फतेहाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए कोरोना मरीज ने वीडियो वायरल कर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मरीज का आरोप है कि कोरोना मरीजों को बासी रोटियां खिलाई जा रही है। कोरोना मरीज के अलावा उनके परिवार के लोगों ने भी प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी किया है, बताया कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके घर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां फेंक कर चले जाते हैं और कोई जानकारी नहीं देते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी जिला अध्यक्ष के निधन पर शोक जताने यमुनानगर पहुंचेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। 26 अगस्त को शुरू होगी विधानसभा का मॉनसून सत्र। सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को लिखा गया। कैबिनेट की बैठक में गुरुग्राम में मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला है। 6821 करोड़ की लागत से हुड्डा सिटी सेंटर से ओल्ड गुरुग्राम तक मेट्रो विस्तार को मिली है मंजूरी। नया प्रस्तावित कॉरिडोर हुड्डा सिटी सेंटर से शुरू होकर मौलसरी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो से जुड़ेगा और साथ ही 28.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 6 इंटरचेंज यानी कि 27 स्टेशन बनेंगे। सीएम ने कहा है कि पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे से पहले 5000 से 10000 प्रति हेक्टेयर था, उसका 1% हर साल कलेक्टर रेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन मौजूदा कलेक्टर रेट का 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के पंचायत चुनाव में पहले 42% भागीदारी थी, अब 50% की भागीदारी देने का फैसला लिया है। नैतिक मंजूरी दे दी गई है, इसको लेकर बिल लाएंगे। पीटीआई को लेकर सीएम ने कहा कि 2014 से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला था। फैसले के बाद कुछ संवैधानिक दिक्कतें भी थी, सरकार ने इसका लिखित एग्जाम लेकर दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ओवरलोडिंग को लेकर सीएम ने कहा कि कई चीजों को हम ठीक भी कर चुके हैं, इन्होंने एक भी चीज ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। ट्रांसफर के लिए कर्मचारी दर दर भटकते थे, हमने ऑनलाइन किया, नौकरियों के लिए व्यवस्था बदली। एसवाईएल को लेकर सीएम ने कहा है कि अगर इतना आसान होता तो मामला सुलझ चुका होता। सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऑथराइज्ड किया गया है और बैठक में अगर होती है तो उसमें जो भी फैसला होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट को अवगत भी करवा देंगे। विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बंद नहीं की गई है, हमने पेंशन बढ़ाई है, कोई विषय है तो दे, नहीं तो जनता की अदालत में धज्जियां उड़ाएंगे। विज ने कहा है कि उनका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से किसी तरह का मतभेद नहीं है, उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने और कार्यकाल पर नहीं की है। दुष्यंत से मित्रता और अच्छे संबंध। विपक्ष को लेकर विज ने कहा है कि कांग्रेस का पीटीआई को लेकर दिया गया बयान लॉलीपॉप की तरह है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस भ्रमित करती है, टूटना और फिर यूटर्न लेना कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व से टूटा हुआ भरोसा दिखता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पूरे हरियाणा के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। बीजेपी का पहला मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट है, दूसरा मंत्र मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस की सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने पर धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ शब्दों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, दुरुपयोग करना उनके लिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वो खुद घोटालेबाज है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी के वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा उन्होंने की। 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर हर गांव हर वार्ड में पौधा भी लगाया जाएगा। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने गैस ऑपरेटेड शवदाह मशीन का अवलोकन किया। ये मशीन अगले सप्ताह से प्रोसेस में लाई जाएगी। नगर निगम की ओर से तकरीबन 68 लाख की कीमत से मशीन को तैयार करवाया जा रहा है। इस मशीन से मृतक के संस्कार के 2 घंटे के बाद ही परिजनों को मृतक के फूल और साथ ही एसिड सौंप दिया जाएगा। बाकी जिलों में भी नगर निगम और नगर परिषद इस तरीके की मशीनें तैयार करवा रही है।
हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल agrihariyana.com पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिससे 1,00,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सिरसा के बालासर गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि क्षेत्र के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। बेहतर सड़कों से आवागमन सुगम होता है, जिससे आमजन के समय और धन की बचत होगी। उन्होंने बताया कि रानिया कस्बे से खारिया होते हुए बालासर से नकोड़ा जाने वाली सड़क पर 7,20,00,000 रुपए और बालासर से रानिया अवरोध रोड के चौड़ीकरण पर 2,30,00,000 रुपए की राशि खर्च करके शीघ्र ही तैयार कर दिया जाएगा। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वन क्षेत्र को बढ़ाना और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्रों को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इस वर्ष करीब 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के झमेले को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष दिव्याश बुद्धिराजा की अगुवाई प्रदर्शन उन्होंने किया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एमएचए की गाइडलाइंस है, परीक्षा नहीं होगी। परीक्षाएं करवाना छात्रों को मौत के मुंह में धकेलना होगा। परीक्षाएं छात्रों के हित में नहीं है, इसे स्थगित करना सबके हित में होगा। सोनीपत में तेज बारिश ने अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है। सभी के दावे पानी में ही तैरते हुए नजर आए। बारिश के बाद सोनीपत शहर में सभी सड़कों पर 4-4 फुट पानी भर गया है। एमएलए निवास से लेकर गीता भवन चौक बस स्टैंड सभी जगह पर पानी ही पानी हो गया है, जिसके बाद कहीं गाड़ी रुकी तो कहीं पानी में आने जाने वाले राहगीर गिरे। सोनीपत में तेज बारिश के बाद सरकारी अस्पताल की बत्ती गुल हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि मोबाइल फोन की टॉर्च से मरीजों का इलाज करना पड़ा। सरकारी अस्पताल में कई घंटे तक बिजली का अतापता नहीं रहा, इससे अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी हुई। अधिकारियों के पास बत्ती गुल होने का कोई जवाब नहीं मिला। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। सलीमपुर गांव में बरसात से एक मकान गिर गया है और जिसके चलते मकान में 15 लोग नीचे दब गए। गांव वालों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। मकान काफी पुराना था, इसलिए तेज बारिश के चलते गिर गया है और जिस समय यह हादसा हुआ वहां मौजूद लोग खाना खा रहे थे। मकान के नीचे वो लोग दब गए। 5 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, पीजीआई रेफर किया गया। यमुनानगर में बिजली निगम में हुए 6 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले के आरोपी ठेकेदार की जमानत कोर्ट ने नामंजूर कर दी। ठेकेदार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। फतेहाबाद में एक व्यापारी ने ऑटो ड्राइवर नाम की फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए के बिल काटने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर व्यापारी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यापारी अशोक और उसके बेटे आशीष गोयल ने शिकायतकर्ता ऑटो चालक को 20,000 रुपए का लालच देकर फर्जी फॉर्म बनवाई और साथ ही उसके नाम से करोड़ों रुपए के फर्जी बिल भी काटे। रोहतक में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया है ज्वाइंट ऑपरेशन। गुप्त सूचना के आधार पर भलौट के लोई रोड पर बने गोदाम से टीम ने पकड़ी है अवैध शराब की 2,438 पेटियां। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस गोदाम से शराब बरामद हुई इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। वहीं जब पुलिस ने आरोपियों से शराब का रिकॉर्ड मांगा तो आरोपी कोई भी रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम रहे। जाखल के कासमपुर गांव से पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पंजाब के पटियाला का रहने वाला है, जो बाइक पर नशीली गोलियों की तस्करी कर रहा था। जाखल में पुलिस ने मियोंद चौकी के पास 2 लोगों को अफीम की तस्करी करते हुए दबोचा है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी संगरूर के आलमपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर एक गाड़ी को रोका है, जिसमें तलाशी लेने पर 90 ग्राम अफीम बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
फरीदाबाद के तिगांव में हुए हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत शूटर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मृतका मोनिका की भाभी के भाई ने हत्याकांड की साजिश रची और मेरठ से तीन लोगों को बुलाकर मोनिका और उसके पति सुखवीर को मौत के घाट उतारा। आरोपी विष्णु ने पुलिस को बताया कि सुखवीर उसकी बहन को ब्लैकमेल करता था, जिसके चलते उसने पति पत्नी की हत्या की। रोहतक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात के मामले में पुलिस की एवीटी स्टाफ को कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 14 वारदातों का खुलासा हुआ। यमुनानगर में घरवालों से परेशान कल्याण नगर के बुजुर्ग व्यक्ति ने हमीदा हेड पुल से नहर में छलांग लगा दी है, जिससे वहां पर सुबह के समय घूम रहे कुछ लोगों ने मिलकर बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। महम के साथ लगते गांव खरकड़ा के पास से गुजर रही भिवानी ब्रांच नहर के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान खरकड़ा निवासी के तौर पर हुई है। शव के पास से सल्फास की गोली और शराब की बोतल मिली। युवक 12 अगस्त को सामान लेने के लिए बस स्टैंड पर गया हुआ था, उसके बाद वापस घर नहीं आया। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस से शिकायत भी की गई। पलवल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता नाबालिग लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। करनाल में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। बाइक सवार को करीब 10 से 12 युवकों ने जमकर पीटा, उसके सिर पर बोतल तोड़कर फोड़ दिया और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची बदमाश वहां से रफूचक्कर हो गए। देश के कई राज्यों में एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर ठगी करने वाले युवक को हासी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 एटीएम कार्ड और 31,000 रुपए बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक ने अकेले हरियाणा में करीब 25 वारदातें कबूली है। युवक पर पहले भी एटीएम ठगी का मामला दर्ज है और गुवाहाटी में गिरफ्तार हो चुका है। गैंग के बाकी लोगों के बारे में पुलिस सुराग हाथ लगा रही है। यमुनानगर में पेट शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया, 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिए। चोरी के बाद आज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में इस तरह की 3 चोरियां हो चुकी हैं। कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में युवक पर दिनदहाड़े गोलियां चली हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी में क्या तस्वीरों में 2 हमलावर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि युवक यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है और किराए के मकान में रहता है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं, एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। सिरसा के गांव नटार में सीवरेज में गिरे व्यक्ति काला सिंह की तलाश में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। सीवर हॉल खोदकर की जा रही व्यक्ति की तलाश। गुरुग्राम को 2 व्यक्ति सीवर में गिर गए थे, जिससे एक तो बच गया लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी तक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। कैथल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान पद का चुनाव हुआ है। चुनाव में बलजीत सिंह दादूवाल की जीत हुई है। दादूवाल को 19 वोट मिले हैं, जबकि उम्मीदवार जसवीर सिंह खालसा को 17 वोट मिले। सोहना में अलीपुर इलाके के सरपंच पति मनोज डागर की मौत हो गई है। 15 जुलाई को सोना थाने के सामने मनोज डागर को बदमाशों ने गोली मारी थी। मनोज डागर का कई दिनों से मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस मामले में अपराध शाखा ने गैंगस्टर अशोक राठी के भाई नीसू को भी गिरफ्तार किया था। ऐलानाबाद क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ऐलानाबाद और रानिया थाना क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम देने के बावजूद से स्वीकार भी किया। 12 जुलाई को ऐलानाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 में मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस ने इस पूरी वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया। पंचकुला में रायपुर रानी क्षेत्र के पास गढ़ी कोटाहा गांव में रात करीब 1:30 बजे 2 जगहों पर आधा दर्जन युवक द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। 6 से 7 युवक हाथों में लाठी और डंडे लेकर आए। पीड़ित का यह भी कहना है कि लूटने वालों ने खुद को सीबीआई का बताया और घर की तलाशी की बात कही। बदमाशों ने परिवार के लोगों की पिटाई भी की और पैसे लूटकर फरार हो गए।
झूमे पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के नामे बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कुरुक्षेत्र के शहबाद मारकंडा के शरीफगढ़ गांव के पास शराब से भरा कैंटर पलट गया है, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक कैंटर अंबाला से पानीपत जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर यातायात को सुचारू करवाया है। फिलहाल अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि ट्रक कैसे पलटा। भिवानी में स्वतंत्रता दिवस आजादी के जश्न से पहले की फाइनल रिहर्सल की गई है, जिसमें जिला उपायुक्त अजय कुमार ने फहराया तिरंगा। इस दौरान डीसी ने आजादी के जश्न को लेकर जारी किए हैं दिशा निर्देश।